वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इफ यू नॉट टू माय चैनल देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो आज मैं शूट करने वाली वैष्णो देवी ब्लॉग, सो ब्लॉग में एंड तक ज़रूर बने रहिए। साइड में शुरू रहे और इस ब्लॉग में मैं आपको अपनी फैमिली से भी इंट्रोड्यूस कराने वाली हूँ। सो अगर आप एक्साइटेड हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। हाय करूँगा। तो गाइज यहाँ पे मेरी मदर इन लॉ एंड दीदी वगैरह है और हमने बहुत इन्जॉय किया। यहाँ पे मेरे हस्बैंड और मेरा छोटा भाई और हाँ बिल्कुल। तो अभी हम क्या जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? यात्रा पर्ची लेने जा रहे हैं और ना टाइम हो रहा है, मैं आपको टाइम भी साथ में दो। टाइम हो रहा है 5:09 मॉर्निंग का। सो अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं, बस हम वो उसको क्या बोलते हैं, रजिस्ट्रेशन कार्ड, क्या बोलते हैं, यात्रा का रजिस्ट्रेशन कार्ड लेने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद ही यात्रा होती है, मतलब की जाती है। सो चलो चलते हैं। तो ये है रोड यहाँ की, कटरा है ना ये, तो ये है कटरा की रोड। और ये है माता जी का पहाड़ जहाँ पर, मतलब आप देख सकते हैं लाइट्स वगैरह, यहाँ पे है मंदिर। तो ये रहा हमारा कार्ड और अब हम चलने वाले हैं, मतलब ऊपर जाने वाले हैं। सो गाइस एज यू कैन सी, तो अभी हम यहाँ पे बाणगंगा पहुँच चुके हैं। अब हम यहाँ से चढ़ाई करने वाले हैं। सो सभी फैमिली साथ में ही थी, हम लोग साथ में ही इंजॉय करते करते जा रहे थे। और गाइज आप भी अकेले ना जाएं, फैमिली के साथ जाएं, बहुत मज़ा आता है। और आप देख सकते हैं ये है मेन गेट जहाँ से एंट्री लेकर हम चढ़ाई स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर सा वाइट कलर का गेट दिख रहा है, ये मेन एंट्रेंस है जहाँ से हम मंदिर की ओर जाते हैं। और आप देख सकते हैं इस टाइप से लाइन लगती है, चेकिंग होती है। चेकिंग में जो आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड होता है उसी से चेकिंग वगैरह की जाती है। चढ़ाई स्टार्ट कर दी है। रास्ता इस तरह से रास्ता है, देख सकते हैं। तो ये रास्ता है और यहाँ पे घोड़े वगैरह, मतलब हॉर्स राइडिंग के लिए डिस्कशन चल रहा था हमारा। हम डिसाइड कर रहे थे कि हमें घोड़े से जाना है या नहीं, उसके बाद फाइनली डिसाइड हुआ और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तो यहाँ पे मैंने फ़र्स्ट टाइम हॉर्स राइडिंग की और ये मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था, मुझे बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था। आप लोगों को भी मे बी हो सकता है डर लगे, बट गाइस अपने हिसाब से देख लीजिएगा। सो देन अब हम जहाँ तक, मतलब घोड़े जाते हैं वहाँ पे हमें उतार दिया था। अभी हम फैमिली मेम्बर्स का वेट कर रहे थे यहाँ पर। और यहाँ पे इस टाइप से लॉकर्स वगैरह है जिसके अंदर आप अपने सेलफोन वगैरह रख सकते हैं, जो भी आपका इम्पोर्टेंट सामान वगैरह है वो सब कुछ यहाँ पे रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम आ चुके थे। इसके बाद आता है मंदिर और मैं आपको अभी मंदिर भी यहाँ पर दिखाती हूँ। सो आप देख सकते हैं इस टाइप से खाई वगैरह है और यहाँ पे सेंटर में ये लॉकर का बना हुआ है। और वो जो दूर आपको दिख रहा है ना, वहाँ पर है मंदिर, जो वाइट वाइट बिल्डिंग टाइप दिख रहा है ना वहाँ पे। तो यहाँ पे हमने बहुत सारा एंजॉय किया। सो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ के नज़ारे बहुत सुंदर लग रहा था और बहुत ज़्यादा ठंड भी थी। तो मतलब ऐसा मत समझिएगा कि धूप है तो आपको सर्दी नहीं लगेगी, बट बहुत ज़्यादा ठंडा था।
और यहाँ पे केबल कार का भी ऑप्शन है, लेकिन ये सिर्फ हमारे वैष्णो देवी मंदिर से ऊपर भैरव जी के मंदिर तक ही वो है, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे भीड़ है, मतलब बहुत ज़्यादा लाइन लगानी पड़ती है, टाइम लगता है। और आप देख सकते हैं सिर्फ इतना ही है केबल कार का कि आप वैष्णो देवी मंदिर से भैरव के मंदिर जा सकते हैं और वहाँ से फिर से आप नीचे आ सकते हैं, उसके बाद भी आपको इतना चलना ही पड़ता है। और टोटल आई गेस 15 किलोमीटर्स है पूरा, मतलब चढ़ाई आपकी 13 किलोमीटर आपके माता जी का मंदिर है और उसके बाद आपको 2-3 किलोमीटर और चढ़ना पड़ता है, फिर आता है भैरव जी का मंदिर। सो आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे जो आपको वाइट वाइट दिख रहा है ना, वहाँ पर है मंदिर। भैरव जी के दर्शन के समय पे मैंने फ़ोन रख दिया था, अभी देख सकते हैं ये है मेरे हस्बैंड, सो फर्स्ट वीडियो है इनके साथ मेरी। और अभी हम भैरव जी के मंदिर आ चुके हैं, ये सबसे टॉप है मतलब पहाड़ का, और आप देख सकते हैं वहाँ दूर आपको दिख रहे होंगे बर्फ़ के पहाड़, बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था और बहुत अच्छी मतलब धूप भी थी और कुछ ज़्यादा ही हाइट है, कुछ ज़्यादा ही ऊंचाई है मतलब यहाँ पे, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लगता है ऊंचाई से, इसलिए मैं ज़्यादा कॉर्नर में गई नहीं थी। बाकी लोग बहुत ज़्यादा सेल्फी वगैरह ले रहे थे और गाइस बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ऐसा लगता है हम हेवन में आ चुके हैं, इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और यहाँ पे बहुत सारे बंदर भी है जिनके साथ लोग सेल्फी ले रहे थे, और ये बंदर मतलब बहुत ही अच्छे से सेल्फी लेने भी देते लोगों को, बिल्कुल परेशान भी नहीं करते। बट हाँ, अगर आपके हाथ में कोई चीज़ है ना तो वो ज़रूर छीनकर भाग सकते हैं, सो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना की ज़रूरत होती है यहाँ पे। बाकी बहुत ही अच्छी जगह है, ज़रूर से जाइए अगर आप जा सकते हैं तो। और गाइस मतलब मेरे लिए तो बहुत ही खुशी की बात थी कि मैं वहाँ तक जा पाई और माता जी ने मुझे बुलाया था, सो बहुत ही अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस। और ये व्लॉग मतलब अनएक्सपेक्टेड, मेरा कुछ भी ऐसा मूड नहीं था कि मैं व्लॉग करूँगी, बट व्लॉग हो गया है, बन गया है। सो अगर आपको थोड़ा भी पसंद आया हो ना तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था यहाँ से, बिल्कुल भी एक भी मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि हम यहाँ से आँखें हमारी हटा लें। और आप देख सकते हैं इतनी भीड़ थी, लोग यहाँ पर शांति से बैठे थे और हम लोग भी थोड़ी देर रुके थे, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। गाइस हमारे भैरव महाराज के भी दर्शन हो चुके हैं और अब हम नीचे जा रहे हैं, तो हम नीचे पैदल जाने वाले हैं। अभी घोड़ा वगैरह से सिर्फ हमने चढ़ाई करी थी और बहुत ही अच्छे नज़ारे हैं, बाकी चीज़ें आप वीडियो में देख ही चुके हैं और आगे मैं आपको और बता दूंगी। सो अगर अभी तक की वीडियो पसंद आई हो ना तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को मेक श्योर आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। और नज़ारे, अभी मैं नज़ारा इंजॉय कर रही हूँ यहाँ पर, और इधर पे इस टाइप से दो रास्ते हैं, एक स्टेयर से और एक ऐसे स्लोप है, सो आप अपने हिसाब से किसी भी रास्ते पर जा सकते हैं। और इधर पे खाई है, तो अगर आप लोगों को नहीं देखना है तो मत देखिए, क्योंकि मैं भी नहीं देख रही हूँ उधर, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। That's true. और इधर पे आप देख सकते हैं, इधर पे चट्टान है और इस टाइप से रास्ता है, यहाँ पे जाली वगैरह लगी हुई है। और इधर पे आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं बैक कैमरा से आपको दिखाती हूँ, शो करती हूँ, मैंने जितना भी शूट हुआ है वो सब कुछ आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है। इस टाइप से जाली है, नीचे खाई है और ऊपर पहाड़ी है और इस तरह से रास्ता है। और जो टर्न्स होते हैं ना, यू टर्न्स, वो इस तरह से हैं, ये इस तरह से राउंड। चलिए चलते हैं। सो गाइस नीचे आने के बाद हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मतलब कि मेरे बहुत ज़्यादा पैर दर्द कर रहे थे, तो उसके बाद मैंने कुछ भी ब्लॉग शूट नहीं किया, बहुत तेज़ नींद आ रही थी, भूख लग रही थी, तो
ये ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ क्योंकि इसके आगे का मैंने नहीं शूट किया है। और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है, आप देख सकते हैं इस तरह का मौसम है वहाँ पे। सो अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो ना तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को मेक्श आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करें, एंड अगर आप न्यू हैं तो भी जल्दी सब्सक्राइब करें। और गाइज ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए मुझे ज़रूर मोटिवेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।